बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे एक्सरसाइज करते हुए। हम कम से कम 45 मिनट्स की वॉक करते हैं डेली। आज हम इसका बनाएंगे मुरब्बा और धूप में बैठ के खाएंगे। तो कितना एवरेजली वेट करना पड़ता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में अपना खास ख्याल रखिए। वैसे भी सर्दियाँ इन फूलों की तरह ही बहुत खूबसूरत लगती हैं अगर धूप निकलती रहे तो। सुबह सुबह हम लोग गार्डन पहुँच जाते हैं आजकल वॉक करने के लिए, क्योंकि स्टेमिना जो है वो काफ़ी लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से हम लोग जिम नहीं जा रहे हैं तो हमने अब दोनों ने, माँ बेटे ने डिसाइड किया है कि हम 1 जनवरी से जिम जाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन वाला नहीं, आप सबको भी पता है कि पीछे मम्मा की पहले हेल्थ खराब होगी तो वो हॉस्पिटल के चक्कर में हमारा जो जिम है वो छूट गया। बीच में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, घर में थोड़ा बहुत अपना योग और प्राणायाम वगैरह मैं कर रही थी। और कहते ना कि आप घर में फिर वही है कि आप जिम जाने लग जाते हैं जब, तो फिर घर में वो फ्लो बनता नहीं है, एनवायरमेंट नहीं होता, वो एनवायरमेंट नहीं होता, बन नहीं पाता वो चीज़ें। सब हमने जाना है वापस, हफ्ता हो गया हमें यहाँ पे आते हुए, देर की बात आ रहा है फिर वापस जिम में, वापस जिम से। तो मैंने कहा कि एकदम से हम जिम स्टार्ट करेंगे तो वो बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं होती, तो पहले बॉडी को रेडी कर लेते हैं, पहले अपना स्टैमिना इंक्रीज कर लेते हैं। स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले वॉक करो। तो अब यहाँ पे आके हम कम से कम 45 मिनट्स की वॉक करते हैं डेली। आजकल ये है कि आप बहुत अर्ली नहीं आ सकते वॉक करने के लिए क्योंकि बहुत ठंड होती है। अभी हमने सिर्फ 4 राउंड लगाए और उधर को अभी भी ठंड लग रही है, अभी भी इसकी बॉडी वैसी हीटअप नहीं हुई है। तो अगर आप बहुत अर्ली आते हो 6 बजे 6:30 बजे तो ऑब्वियसली लंग्स में बहुत ही ठंडी हवा जाती है जो कि वैसे भी सही नहीं है। आजकल जैसे विंटर्स हैं तो थोड़ी धूप निकल जाए 7:30 के बाद, जैसे मैं स्टफ़ी को पहले वॉक पे ले जाती हूँ मेरी बॉडी तब भी थोड़ी गर्म हो जाती है, उसके बाद मैं इसको उठाती हूँ कि चलो हम चलते हैं। यह आजकल हमारी माँ बेटे की रूटीन और जैस्मिन अपनी आजकल वही अपना होम वर्कआउट उसका, मतलब कभी शुरू हो जाता है कभी बीच में बंद हो जाता है, वो उसका चलता रहता है। वैसे हम आपको सुबह वाला दिखा रहे हैं, फिर आपको हम अपना रात को गेड़ी रूट भी दिखाएंगे। हम लोग अब वो वाले बंदे बन गए हैं, हम गेड़ियाँ मारते हैं, आज हम घूम बहुत रहे हैं, है ना, कहीं कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। अभी धूप निकली है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है हल्का हल्का कहीं ना कहीं फॉग लग रही है, बट फिर भी बहुत अच्छा है कि अभी धूप निकल रही है। सबको पता ही है नॉर्थ साइड में धूप नहीं निकलती है, पूरा पूरा फॉगी होता है। बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ लेडीज की जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे एक्सरसाइज करते हुए, है ना, इट्स वेरी नाइस। वो देखो आंटी, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। और कहते ना कि लेडीज का तो ये, उनको ये लगता है कि सबकी केयर करो, पूरी फैमिली की केयर करो, बच्चों की करो, हस्बैंड की करो, लेकिन अपनी सेहत को निगलेक्ट करते रहो। बट नो, मुझे लगता है कि सेल्फ केयर इज मस्ट। आपको सबसे पहले अपनी केयर करनी चाहिए। ओके, मेरा नाम किरण, मेरा बेटा है। किरण बताया ना आपने? हाँ जी किरण। ऐसे पार्क्स में आपने भी बहुत बार देखा होगा सीनियर सिटीजन्स को एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि सब लोग अपनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और मेरे ख्याल से हर एज में ही हमें थोड़ा थोड़ा बेफिक्र तो ज़रूर रहना चाहिए। और बेसिकली ये जो एज है ये है इंजॉय करने की, अगर आप इंजॉय करते हैं तो, क्योंकि ये जो एज है ये रिटायरमेंट की एज है जिसमें आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा चुके हो। और इस उम्र में जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो या जो भी ड्यूटीज़ आप निभाते हो वो होनी चाहिए सिर्फ आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो आज पार्क में आंटीज वगैरह से बात करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं और उदय जब वॉक करके वापस आए तो तनु और जैस्मिन भी अपना वर्कआउट कर रहे थे। मैंने भी विपाशा बसु वर्कआउट बहुत किया है, एक ये सिंपल वाला है, एक एडवांस वाली सीडी भी है उनकी, तो शुरू शुरू में मैं भी काफ़ी करती थी। अगर मैं बहुत स्टार्टिंग की बात करूं तो पहले ब्रिस्क वॉक करते थे मैं और कुलदीप दोनों, उसके बाद मैंने एरोबिक्स भी ट्राई किया है, होम वर्कआउट्स भी ट्राई किए, और लास्ट में पहुंची थी मैं जिम, और अब थोड़ा बहुत योग और जिम पे सुई टिक गई है। आजकल तनु और जैस्मिन भी मस्ती करते करते अपना कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, कभी बैडमिंटन खेल लेती हैं दोनों, कभी विपाशा बसु लगा लिया, कभी कुछ और रनिंग वगैरह कर ली, तो गुड है, जैसे भी हो शरीर चलता रहना चाहिए।
सुबह प्लेन पानी पीकर मैं वॉक पे निकल जाती हूँ और वॉक से आकर ही अपना एक्चुअल जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लेती हूँ। तो आज बस तेज पत्ता, एक छोटी इलायची, थोड़ी सी अजवाइन डाल के उस पानी को मैंने बॉयल कर लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने लेमन भी डाला बाद में, और अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेकर सीधा मैं अपनी छत पे चली गई क्योंकि वहां पे आती है सीधी धूप। बालकनी में बैठ रही थी तब तक जब तक वहां पे धूप आ रही थी, लेकिन आजकल आपको बताऊं बिल्कुल भी धूप वहां पे नहीं आती है। पौधों के बीच में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन जब ठंड लगती है ना तो फिर वहां पे भी अच्छा नहीं लगता। तो बस छत पे 15-20 मिनट अपना मॉर्निंग ड्रिंक आराम से धूप लेते हुए पीती हूँ, और उसके बाद नीचे जाके शुरू करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट का काम। जब से तनु हमारे साथ रहने आई है तब से ये सारे ग्रीन लीव कलेक्ट करना और ग्रीन टी बना के हमें पिलाना, वो सारी ड्यूटी जो है वो उसने अपने पे ले ली है। बहुत शौक रहता है उसे भी इन सब चीजों का। काफी लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि तनु अचानक से आप लोगों के साथ क्यों रहने लग गई है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसी तनु है वैसी ही जैस्मिन है, वो भी हमारी बेटी ही है। जब तक चाहे खुशी से वो हमारे साथ रह सकती है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बहुत खुददार बच्चा है। एक्चुअली उसे डेंगू हो गया था, उसकी वजह से उसकी जॉब छूट गई थी बीच में, तो हमने ही उसे फोर्स किया था कि जब से दोबारा से तुम्हारी जॉब कहीं अच्छी मिल नहीं जाती तब तक तुम हमारे साथ रहो और बेफालतू के खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आज हम उसका बनाएंगे मुरब्बा, धूप में बैठ के खाएंगे। धूप में बैठ के खाएंगे, चलिए सही है, धूप में बैठ के हम बहुत कुछ खाने वाले हैं। और बस मैडम को ऑफर लेटर मिल गया है अपना शिफ्ट होने की, वो तैयारी कर रही है, लेकिन खुद से बहुत दूर हम उसे नहीं रखेंगे ताकि मिलना जुलना होता रहे। आज ब्रेकफास्ट में मैंने सबको खिलाए हैं गोभी के परांठे। ऑब्वियसली अब विंटर्स है तो बस परांठों की ही डिमांड रहती है, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी आलू के बना लो, कभी मक्की की रोटी के परांठे बनते हैं जिसमें मूली डाल लेते हैं, कभी मेथी डाल लेते हैं। हाँ टेस्टी भी लगते हैं, लेकिन मैं अपना वही सिंपल सा और बहुत ही ईजी सा और बहुत ही फेवरेट वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, जिसमें सब्जियां मैंने सॉटे कर ली हैं और बस दो अंडे साथ में ले लूंगी, क्योंकि पूरी सर्दियां परांठे तो आप खा लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियां खत्म होते ही आपको रियलाइज होगा कि आपकी तोंद निकल गई है, और क्योंकि मुझे वो रियलाइजेशन नहीं चाहिए इसलिए ठीक है कभी कभी परांठा ले लिया, लेकिन मेनली अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर ही स्टिक रहना चाहिए। दिन भर में आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, और काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है खाने से या फिर मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफी से। तो ब्रेकफास्ट के बाद घर के काम करते करते मैं आधे घंटे के अंदर अपनी ब्लैक कॉफी भी ले लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सारा काम खत्म करने के बाद ही शावर लेने चले जाओ और उसके बाद धूप में जाके बैठ जाओ, यही होती है सर्दियों की मेनली हम होम मेकर्स की रूटीन। जब तक आपके टीनेज बच्चे या आपके एडल्ट बच्चे आपके साथ रहते हैं, खाने पीने को लेकर वो बहुत चूजी होते हैं, और उनको उनकी चॉइस का बनाकर देना ही उनको याद दिलाता है आपकी जब वो आपसे दूर चले जाते हैं। वैसे मैं आज लंच में बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा, लेकिन जैस्मिन क्योंकि नहीं खाती है कड़ी तो उसके लिए अलग से कुछ बना रही हूँ, बना हेल्दी ही रही हूँ। सब्जियां मैंने सॉटे करके उसके बाद मिलेट्स उसमें डाल दिए थे, तो यहाँ पे मैंने लिटिल मिलेट का इस्तेमाल किया है, लिटिल मिलेट का उपमा या लिटिल मिलेट की खिचड़ी आप कह सकते हैं। कड़ी में पकौड़े उदय को बहुत पसंद है, तो पकौड़ों में अगर आप डाल दें, आजकल जैसे सर्दियां हैं तो पालक डाल दीजिए, थोड़ी सी मेथी डाल सकते हैं अगर फ्रेश आपके पास है तो, मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, साथ में सीजनिंग अपनी मनपसंद की गर्म मसाला जरूर डालना है, थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाला है, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर भी अगर डालें, अगर अमचूर नहीं तो थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं पकौड़े बनाने से पहले, और तो और पकौड़ों में कभी अनारदाना पाउडर डाल के देखिएगा। कड़ी को तड़का मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही लगाती हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल में खड़े मसाले पहले, सूखी लाल मिर्च जरूर डालनी है, कड़ी पत्ता जरूर डालना है, उसके बाद वही अपना जो नॉर्मल तड़का आप लगाते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साथ में प्याज तो वो डाल देना है, दही में बेसन को अलग से फेंट लिया उसके बाद वो डाल देना है, तो इसे स्टिर करते रहना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, अदरवाइज ये फट जाएगी। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, मतलब सीजनिंग तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही डालेंगे। फ्लेम ऑफ करने में जब 10 मिनट रह जाएं तब आपको डालने हैं वो पकौड़े जो आपने बना के रखे हैं, और हाँ कड़ी में अगर आप छौंक लगाते हैं तो आपकी कड़ी बहुत ही उमदा बनती है, तो देसी घी का छौंक मैंने लगाया है प्याज के साथ, थोड़ा सा हींग डाला है और साथ में देगी मिर्च, कलर भी बहुत बढ़िया हो जाता है और टेस्ट भी, और लास्ट में बस आप गार्निश कर दीजिए हरे धनिया के साथ और गरम मसाला के साथ।
सर्दियों में साग साफ करना हो, मेथी साफ करनी हो, मटर छीलने हो, बुजुर्गों को ये काम दे दो, उनका मन भी लगा रहता है और आपका काम भी हो जाता है। और आज तनु का बहुत मन था कि चलो मामी जी आज सब लोग धूप में बैठकर खाना खाएंगे। और सच में है, धूप में बैठकर खाना खाने का अपना ही स्वाद आता है। मैं तो कई बार कोई नहीं भी आता तो अपनी प्लेट लेकर छत पे चली जाती हूँ। तो कढ़ी खाने से पहले तनु गलगल का मुरब्बा बना रही है। एक्चुअली बहुत खट्टे नहीं है ये वाले गलगल जो हमारे गार्डन में लगे हैं, इनका टेस्ट बहुत मीठा मीठा है लेकिन बहुत स्वाद लगते हैं अगर बहुत सारी चीजें आप इसमें डाल के मुरब्बा बनाते हो। जैसे कि तनु ये मसाला रेडी कर रही है, धनिया इसमें डाला है, जीरा डाला है, चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, अदरक लहसुन डाला है। मीठे में टेस्ट थोड़ा सा और बढ़िया करने के लिए उसमें वो जैगरी पाउडर भी डालेगी। थोड़ा सा हींग डाल दो, अजवाइन डाल दो, इन सबको कूट कर उस मुरब्बे में हम डालेंगे। इतना मस्त टेस्ट आता है, मतलब वो बना रही थी और मेरे मुंह में लिटरली बहुत पानी आ रहा था। हमें था कि हम पहले मुरब्बा खाएंगे उसके बाद कढ़ी के साथ मक्की की रोटी खाएंगे, लेकिन उदय को मुरब्बा नहीं खाना था तो उसके लिए वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कितना एवरेजली वेट करना पड़ता है यहाँ खाना खाने के लिए? अगर आपको स्वाद चाहिए तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। नहीं, मेरे लिए तो वही है स्वाद, मैं तो और कुछ खाना नहीं है। ज्यादा सबर ना करते हुए उसने अपना लंच जाकर नीचे डाइनिंग टेबल पे ही किया। कढ़ी के साथ वो हमेशा राइस ही खाता है, लेकिन हमें तो कढ़ी के साथ मक्की की रोटी भी बहुत स्वाद लगती है। मतलब मैं मक्की की रोटी पहले कढ़ी के साथ नहीं खाती थी, लेकिन जब मैंने थोड़ा टेस्ट करना शुरू किया तो अब मुझे भी अच्छी लगती है। तो हम सब ने पहले मुरब्बा खाया और उसके बाद लंच किया। मतलब धूप में बैठ के जब इस तरह से आप लंच करते हो ना आजकल, तो ऐसा लगता है कि आप पिकनिक पे आए हो। और मुरब्बा खिलाने के लिए तो मैंने तनु को बहुत थैंक यू किया, क्योंकि मुझे याद आ गई अपनी मम्मा की। अक्सर वो बनाया करते थे इस तरह से मुरब्बा और डाइनिंग टेबल पे रख देते थे, तो हम सभी उसको बड़े स्वाद से खाते थे। आज रात को डिनर करने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लड्डू बनाने हैं। एक्चुअली दो स्लॉट खत्म हो चुके हैं और विंटर्स में आपकी जो लड्डू है या पिन्नी आप कुछ भी कर लीजिए, वो खत्म नहीं होने चाहिए। खैर, बेसन के हम लोग खा चुके हैं, गेहूं के आटे के भी खा चुके हैं, अब मैं बना रही हूँ रागी के आटे के। मतलब ग्लूटेन फ्री लड्डू हैं, कोई भी बड़े आराम से खा सकता है। घी वगैरह भी इसमें मैंने यूज नहीं किया है, प्लस इसमें चीनी का कोई यूज नहीं है। मीठा जो उसका बनाएंगे हम, वो बनाएंगे डेट्स और जैगरी का। तो रागी का आटा मैंने लिया था यहाँ पे 2 कप, उसे मैंने भून लिया तकरीबन 7-8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। आप उसे भून के साइड निकाल दीजिए। उसके बाद मैंने आधी कटोरी लिए हैं पम्पकिन सीड्स, उन्हें आप रोस्ट कर लेंगे। बीच में थोड़े से इसमें अलसी के दाने भी थे, वैसे अलसी आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 कटोरी मैंने तिल लिए थे, वाइट तिल, तो उनको भी मैंने रोस्ट कर लिया। जो लोग भी रेगुलरली लड्डू या पिन्नी बनाते रहते हैं उनको भी पता ही है, जिन भी नट्स या सीड्स का इस्तेमाल हम करते हैं उन्हें थोड़ा रोस्ट करके ही यूज करना चाहिए। तो इन सभी चीजों को रोस्ट करने के बाद इनको ग्राइंड करके हमने साइड रख लेना है। आप चाहें तो बर्तन में थोड़ा सा देसी घी डाल के गोंद भी रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं। तो मीठे के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिर्फ बनाया है मैंने यहाँ पे डेट्स और जैगरी को डालकर। तो मीठा आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना भी आप खाना चाहें, तो ये मीठा बुरा नहीं है, आप जितना खाना चाहें डाल सकते हैं। तो डेट्स और जैगरी को मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में पका लिया, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट रेडी हो गया। तो जितना भी सामान हमने ग्राइंड करके रखा है, जो भी सीड्स एंड नट्स हैं, वो हमने उस रागी के आटे में डाल लेने हैं, और साथ ही हमने डेट्स और जैगरी का पेस्ट इसमें डाल देना है। बस लड्डू बना लेने हैं। शुगर सिरप के साथ बनाए हैं तो ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करेंगे, पर इतनी जल्दी खराब भी नहीं होंगे क्योंकि सर्दी के दिन है, तो उतने ही बनाइए जितने आपके 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाए। रागी के लड्डू बनाने के बाद मैंने एक और हाई प्रोटीन लड्डू बनाए, जिसमें किसी भी तरह के फ्लावर का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। तो मूंगफली को मैंने एयर फ्रायर कर लिया और तिल मैंने रोस्ट कर लिए किसी बर्तन में। बस कोई भी एक मेजरमेंट रख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मूंगफली ली थी, तो 1 कटोरी ही मैंने यहाँ पे तिल लिए हैं। उनको रोस्ट करने के बाद हमने ग्राइंड करते जाना है और इनको प्लेट में साइड निकालते जाना है। अपने काम को आसान करने के लिए कुछ चीजों को मैंने बर्तन में रोस्ट किया, तो कुछ चीजों को मैंने एयर फ्रायर कर लिया। जैसे कि मखाना है, उनको भी मैंने एयर फ्रायर करके उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया। मैं हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी चीजें थोड़ी थोड़ी क्रंची रहे। मतलब पाउडर मैंने किसी चीज का भी नहीं बनाया। तो 1 कटोरी कोकोनट को भी मैंने रोस्ट किया और उसके बाद आधी कटोरी मैंने खसखस ली थी, उसको भी मैंने ड्राई रोस्ट ही कर लिया। लेकिन जो गोंद का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है, वो मैंने किया है तकरीबन आधी कटोरी, और उसे घी में भून लिया है। उसके बाद उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। सभी चीजों को हमने भून लिया, उनका पाउडर बना लिया, इन सभी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद हम मीठा डालेंगे। तो मीठे के लिए फिर से मैं एक सिरप बना रही हूँ, जिसमें जैगरी और डेट्स का ही इस्तेमाल किया है। डेट्स और गुड़ के सिरप को भी हमने ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है। फिर सभी पाउडर बनी चीजों के साथ इसको मिक्स करके इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। सर्दियों में आजकल एंजॉय कीजिए दूध के साथ या चाय के साथ।
हेल्दी हैं। गोंद आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और पीनट एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो आप भी बनाइए और खाइए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।